और इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन करने का प्रयास, बड़ी कमाल का, और क्या ही लाजवाब, बिल्कुल शमशांत हंसदा का ये बेहतरीन गोल देखने को मिला। और इस बार क्या इस मैच को वापसी कर पाएंगे बिलाल, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। इस बीच बड़ी देर के बाद लालू के पैर में गेंद है, लालू गेंद को बढ़ाने का कोशिश करेगा मधु के लिए। इस बार मधु गेंद को कब्जे में लाने के बाद किसको दे किसको नहीं, साथी खिलाड़ी को ढूंढने के क्रम पर बिल्कुल सागर के लिए गेंद को रिलीज किया है। और इस बीच सागर मधु तालमेल बनाने का कोशिश कर रहा है बार बार, किसको दे किसको नहीं, लालू के लिए गेंद को सौंपा है इस बार, और कहीं ना कहीं लालू एंगल बनाने का कोशिश कर रहा है। और इसी बीच इंद्रजीत मौजूद है, और इंद्रजीत किक करने के बाद दो खिलाड़ी मौजूद हैं। और इस प्रकार से बहुत देर होने के बाद पुनः मधु के पास में गेंद, इस बार मधु बिल्कुल जमीनी किक लेने का कोशिश, मार्शल मौजूद है यहां, बिल्कुल गेंद को ब्लॉकिंग करने में सफल। इस बीच लगभग सेंटर सर्किल जोन के करीब गेंद मधु के लिए गेंद आया है। इस बीच बिल्कुल सागर अपने कब्जे में लाने के बाद फिलहाल साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और इसी क्रम पर प्रहलाद के लिए गेंद को रिलीज किया है, प्रहलाद गेंद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच शमशांत गुलदत्ता, और इस बीच फिलहाल चिन्ह जब्ती करने के बाद ओपोनेंट टीम तक गेंद आई है, क्योंकि मधु के पैर से गेंद पूरी तरह से इंद्रजीत के लिए, और इंद्रजीत जमीनी किक लेने का कोशिश कर रहा है। और इस बीच फिलहाल डिफ्लेक्ट आई और प्रतिद्वंदी टीम फिलहाल हमसादा चिन्हने के बाद पुनः इंद्रजीत, फिलहाल शमशांत तक गेंद को भेजा गया था। और इस बीच ओपोनेंट टीम फिलहाल मोहित स्पोर्टिंग हमसादा मौजूद हैं, मार्शल बास्के अपने कब्जे में गेंद, लॉन्ग एफर्ट रिलीज करने के बाद साथी खिलाड़ी को ढूंढने के बाद अच्छा पोजीशन पर गेंद डाला है जर्सी नंबर 7 के लिए। इस बार मौका बन सकती है, बिल्कुल अच्छी जगह पर गेंद डाला था, बिल्कुल थोड़ी सी डाउन करने की आवश्यकता था, और गेंद बहुत बेहतर तरीके से रिलीज किया गया था। और इस प्रकार का गेंद वाकई नापी तुली, अगर और थोड़ा सा नीचे होता, शायद 1 फीट का अगर नीचे होता तो लगभग पूरी तरह से यह शानदार गोल का प्रदर्शन आता, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस समय में बहुत बेहतरीन करने का कोशिश, अगर आप हैं डाल पर तो मैं चलूंगा पास पास पर। इस प्रकार का खेल फिलहाल बहुत बड़ी गर्माहट के साथ खेलता हुआ मोहित स्पोर्टिंग हमसादा, फिलहाल बड़ी चैलेंजिंग अपने प्रतिद्वंदी टीम सुसेन स्पोर्टिंग के खिलाफ। और इस बार बात करो एक बार सुसेन स्पोर्टिंग 1 गोल की बढ़त के साथ खेलता हुआ, और शमशांत का बहुत बेहतरीन फिनिशिंग का नजारा आया था, वही मोहित स्पोर्टिंग हमसादा क्या गेंद को बिल्कुल बेहतर रख पाएंगे, क्या मैच को बराबरी कर पाएंगे, फिलहाल ये इस समय पर आएगा। और हो ना हो मोहित स्पोर्टिंग हमसादा के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, और ये अपॉर्चुनिटी शायद हमें लगता है कि दोबारा नाम मिल सके, इसीलिए आपको अभी पूरी तरह से 100% सफल करना होगा। इस बीच बहुत अच्छा किक तो डाला गया, जी हाँ गोलकीपर मौजूद है, और इसी क्रम पर छीना चपटी करने के बाद फिलहाल जर्सी नंबर 8 के लिए गेंद को रिलीज किया है, फिलहाल अच्छा एंगल बनाने की कोशिश जर्सी नंबर 5 के लिए, और इस प्रकार का किक करेंगे भाई तो पूरे का पूरे आपका मेहनत पान। इस बार लंबी किक डालने के बाद फिलहाल मार्शल से गेंद बिल्कुल अपने ओपोनेंट टीम तक भेजने में कामयाब, सेंटर सर्किल जोन पर गेंद, जमीनी किक लालू के लिए पासिंग एक्यूरेसी देने की कोशिश की थी। और बहुत देर के बाद जर्सी नंबर 7 फिलहाल अच्छा जगह पर गेंद तो कहा जाएगा, चूंकि इसी समय पर दो खिलाड़ी यहाँ मौजूद था, यहाँ चूंकि जर्सी नंबर 4 के लिए गेंद है हमसादा, फिलहाल छोटा छोटा पास के माध्यम से गेंद को बढ़ाने का कोशिश किया है, और यहाँ बुद्धेश्वर मौजूद है, बिल्कुल गेंद को ब्लॉक किया। और बड़ी देर के बाद इस बार किक तो आई, ओह बिल्कुल गोल पोस्ट की दिशा से बाहर चलता हुआ गेंद, और इस प्रकार से अगर किक होगी तो शायद बहुत कम आप, चूंकि प्रयास बहुत बेहतर है, खेल का रोमांच कई गुना बढ़ चुका है। और हो ना हो बहुत बेहतरीन करने के बाद इस बीच जी हाँ लालू के लिए गेंद, और लालू यहाँ इंद्रजीत तक गेंद आया था, बिल्कुल सागर के लिए। इस बीच मधु
फिलहाल लालू अच्छा तालमेल बनाने का कोशिश मधु के लिए, और मधु अपने पैर में लाने के बाद फिलहाल अच्छा कटबैक किया है। साथी खिलाड़ी मौजूद तो था यहाँ समझान, चूंकि थोड़ी सी बेक में रहा। इस बीच सेंटर सर्किल जोन पर गेंद हो ना हो, गेंद अपने कब्जे में रखने के बाद हमसादा अपने पैर में ला चुका है। इस बीच किसको दे किसको नहीं, बड़ी रोमांच मुकाबला तो बिल्कुल जैसे कि मरसांझ के लिए। और इस बीच छीना झपटी करने के बाद लालू, बिल्कुल लालू गेंद को बढ़ा चुका है बिल्कुल मधु के लिए। और इस बीच मधु अपने पैर में रखने के बाद किसको दे किसको नहीं, जी हाँ इसी समय पर सागर को सौंपना चाहा, और सागर फिलहाल बिल्कुल मधु और लालू को गेंद को सौंपना चाहिए। इस बार मधु किक लेना चाह रहे हैं, चूंकि मधु का किक बाहर की दिशा पर, चूंकि आउट थोड़ी सी गेंद प्रहलाद के लिए। इस बार अच्छा कम्बिनेशन बनाने का कोशिश, चूंकि प्रहलाद का इस बार किक बिल्कुल बाहर की दिशा में, और जिस प्रकार से खेल की गर्माहट आई है वाकई ये गोल से पूर्व अगर होता तो शायद ये खेल में और मजा आता। और इस बीच गेंद को छीनने के बाद बिल्कुल काउंटर अटैक खेलने में कोशिश, और इसी क्रम में मधु ने थोड़ा होल्ड किया लालू के लिए, और लालू के पैर में गेंद आने के बाद डी बॉक्स के अंदर मधु। इस बार मधु ने साथी खिलाड़ी बिल्कुल सोमचांद के लिए, और सोमचांद को रोकने का प्रयास किया गया इस समय में बिल्कुल, और ये एक बिल्कुल फ्री किक करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, गुरु की होइसल भी बज चुकी है, और जिस प्रकार से सोमचांद को अतिरिक्त बल के सहारे रोकने का प्रयास किया गया था, और हो ना हो चेतावनी का संकेत भी दिया गया, अगली बार आप गलती ना करें अन्यथा आपको। डी बॉक्स के अंदर गेंद अब मधु किक लेना चाहेंगे बिल्कुल ये पेनल्टी जोन पर, और ये पेनल्टी किस प्रकार से लेते हैं जर्सी नंबर 10 मधु द्वारा, और ये होइसल का इंतजार है। होइसल बजने के बाद मधु का किक आएगा, और बिल्कुल शर्मा मौजूद है गोलकीपर, और इस बीच बिल्कुल गोल में तब्दील होता हुआ, और सब्स्टिट्यूट है लालू बेहतरीन त्रिकोण बनाने के बाद मधु इस बार बुद्धेश्वर के लिए, बुद्धेश्वर इंद्रजीत के लिए, राजन अच्छा कम्बिनेशन बनाने का कोशिश। इस बीच राजन एकल ट्रिपलिंग करने के बाद, और बहुत बेहतरीन किक, ये लाजवाब किक कही जाएगी, हर गोल पोस्ट पर अगर हो